रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो प्रॉब्लम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40, 50 एंड 60। आपको पता है कि बाय डेफिनेशन एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये सबसे छोटा नंबर होता है जो कॉमन मल्टीपल्स, एक कॉमन मल्टीपल होता है जिसपे नंबर डिवाइड किए जा सकते हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, हम ये नंबर ट्री बनाएंगे और प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। आपने देखा कि हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए। उसके बाद हम इनको तरतीब से लिखेंगे और आपको पता है कि सबसे पहले जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हमने फाइंड आउट किया उनका, और फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम की। और एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स से, तो हमारे पास 600 एलसीएम आ गया। तो प्यारे बच्चों, हर मुश्किल, एवरी प्रॉब्लम इज लाइक अ बिग डोर, हर मुश्किल एक दरवाजे की मानिंद है। Surely there is a solution like a small key which can open it easily. जो एक छोटी सी चाबी से जिस तरह दरवाजा खुल जाता है, इसी तरह find the key, life is simple. इसी तरह मुश्किलात की चाबी तलाश करो, जिंदगी बहुत आसान है। तो मुश्किलात तो जिंदगी में आती है, उनसे डरना नहीं चाहिए, उनका हल सोचना चाहिए। और अलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, तुंदिये बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और प्यारे बच्चों, अल्लाह के बारे में सोचा करो। अल्लाह ताला कुरान जीद में कहते हैं, गम ना कर, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर आप आंखें बंद करके सोचें तो 24 घंटे जो हस्ती हमारे साथ है वो अल्लाह की हस्ती है, रब्बे कायनात। तो हमें कैसे भी हालात हों, अल्लाह के साथ मोहब्बत का, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। और ये कैसे भरोसा आता है, जब हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं। अल्लाह से जुड़ते कहते हैं कैसे हैं, अल्लाह की किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ के हमें पता चले कि हमारा अल्लाह क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज से कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। तो हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 135 एंड 225। आपको पता है कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो वी हैव टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आज एलसीएम जो है वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में तीनों नंबर्स को लिख लिया, अब हमने 3 पे इनको डिवाइड किया, कोशेंट हर नंबर के नीचे लिख लिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर ये तीनों नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं और हमने इनके कोशेंट इनके नीचे लिख लिए, फिर हमने इनको 5 पे डिवाइड किया, और फिर इस तरह हम आगे डिवाइड करते जाएंगे इनको जब तक के हमारे पास सबसे एंड में सिर्फ एक आ जाएगा हर नंबर के नीचे। तो अब ये हमारे पास डिवाइजर आगे लेफ्ट हैंड साइड पे, अब हमने इन डिवाइजर को, सारे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर लेना है, आपस में ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई ऑल द डिवाइजर्स। तो जब हम इन ऑल डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 675। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आज का लेसन भी आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।